नमस्कार किसान भाइयों, किसान वीरों, स्वागत है आप सभी का दैनोलोज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। तो गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर के सरकार के द्वारा नए नियम बनाए गए हैं। तो जी हां, बता दें कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। इस पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के नियम और भुगतान प्रक्रिया क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का कितना मिलेगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप यहां पर रोज़ाना गेहूं के ताज़ा भाव तेज़ी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो जी हां, बता दें कि आगामी 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में शुरू होगी। खरीदी 10 मई तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी तैयारियाँ लगभग अंतिम चरणों में हैं। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खरीदी को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के नियम और भुगतान प्रक्रिया क्या है। बता दें कि इस बार 21-25 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर समर्थन मूल्य पर यानी MSP पर गेहूं खरीदा जाएगा। उज्जैन जिले में गेहूं का रकबा 688,253 हेक्टेयर है तथा उपार्जन के लिए जिले में 251,647 किसानों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने उपार्जन कार्य की समीक्षा बैठक में सभी SDM को निर्देश किया है कि वे 23 मार्च तक जिले के सभी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर लें। तो बता दें कि किसानों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण में विशेष रूप से किसानों के लिए पीने के पानी, छाया, सर्वेयर, तुलावटी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही सभी उपार्जन केंद्र पर व्यवस्थाएँ अच्छी हों, यहाँ पर सख्ती से नियंत्रण रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन में एक भी शिकायत नहीं आना चाहिए। उपार्जन के संबंध में 14 मार्च मंगलवार को प्रमुख सचिव द्वारा बैठक ली गई है। समर्थन मूल्य पर इस बार गेहूं के साथ साथ चना, मसूर, सरसों की भी खरीदी की जाएगी। तो समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने की प्रक्रिया यह है। तो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपार्जन केंद्रों द्वारा किसानों से अनाज की प्राप्ति यानी खरीदी की जाती है। खरीदी के पश्चात किसानों को उनके बेचे गए अनाज की रसीद उपलब्ध कराई जाती है एवं किसानों द्वारा बेचे गए अनाज की राशि 7 कार्यकारी दिवसों में उनके पंजीकृत बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। ई उपार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपार्जन केंद्र द्वारा संग्रहण केंद्र को किसानों से खरीदे गए अनाज का परिवहन किया जाता है। परिवहन में उपयोग होने वाले बारदानों को भी उपार्जन केंद्र द्वारा प्राप्त और अन्य उपार्जन केंद्र को भी जारी किया जाता है। तो ये है बड़ी अपडेट। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा ई उपार्जन के 6 चरण हैं, जिसमें से बता दें कि समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों को संदेश द्वारा खरीदी जानकारी दी जाती है। उपार्जन केंद्र पर किसान का गेहूँ खरीद लिया जाता है। किसान से खरीदे गए अनाज का परिवहन सुनिश्चित किया जाता है। परिवहन किए गए अनाज का गोदाम में संग्रहण किया जाता है। इसके बाद अंत में किसान के खाते में सीधे भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो ये है पूरी अपडेट। इस वीडियो में इतनी दी जानकारी। धन्यवाद।